हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाइफ बॉय साबुन। तो आज मेरे पास है इसकी एक और वेरिएंट, तो ये है लाइफ बॉय नीम एंड एलोवेरा नेचर प्रोटेक्ट। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, जिस तरह के दूसरे साबुन होते हैं इनकी बिल्कुल उसी जैसी पैकेजिंग है। लाइफ बॉय में आपको और भी काफी सारे अलग अलग वेरियंट की साबुन मिल जाएगी और इनके और भी सोप्स के रिव्यू मैंने किए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये है 31 रुपीज का, 3 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स वगैरह की गई है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं इस पर, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और यहाँ पर भी इसकी सारी डिटेल्स दी हुई है, प्रोडक्ट क्वांटिटीज की है 125 ग्राम। तो ये सब कुछ इस पर दिया हुआ है, पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन इजीली मिल भी जाएगी। ये आपको 3 के पैक में मिल जाएगी और सिंगल भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा साबुन काफी बड़ा है, क्वांटिटी काफी अच्छी मिलती है हमें, फ्रेग्रेंसेस में बिल्कुल नीम जैसी ही आ रही है। इसका जो रेड साबुन आता है ना, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी नहीं है, पर इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है। इसका एक और साबुन मैंने इस्तेमाल किया है, सिल्वर शील्ड फॉर्मूला, उसकी भी फ्रेग्रेंस अच्छी है और इसकी भी अच्छी है फ्रेग्रेंस। बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है और बहुत ज्यादा माइल्ड भी नहीं है। जैसे कि आप में सभी जानते होंगे कि जो ग्रेड 1 साबुन होता है वो अच्छा होता है और साबुन का TFM हमेशा 76% से ज्यादा होना चाहिए। आप जब भी साबुन खरीदे तो उसका TFM जरूर देखें। जो ग्रेड 1 साबुन होता है वो अच्छा होता है और उसे आप अपने फेस और बॉडी दोनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, पर जब हम इस साबुन का TFM देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 3rd grade साबुन है, उसका TFM है 60%। तो ग्रेड के हिसाब से ये ठीक ठाक साबुन है, नहाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी आपको, और फेस के लिए तो आप बिल्कुल भी इसे इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आप हाथ धोने के लिए इसे चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक ठीक ठाक साबुन है, इतना कुछ खास नहीं है। इनके जितने भी साबुन होते हैं लाइफ बॉय के, सभी 3rd grade साबुन होते हैं, बहुत कम होता है इनका TFM। आप चाहो इस्तेमाल करना तो कर सकते हो, पर ये नहाने के लिए नहीं होती है साबुन, आप हाथ धोने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी है, ये साबुन ज्यादा घुलता नहीं है वैसे, और इस साबुन को इस्तेमाल करने के बाद ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा, पर नहाने के लिए और फेस के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ठीक ठाक साबुन है, अगर आप चाहो इस्तेमाल करना तो कर सकते हो, पर आप हमेशा ध्यान रखें कि ये 3rd grade साबुन है। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।